सर्कल आपका आंसर। एक्स इंटू एक्स माइनस टू, थ्री एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू टू, शो दैट इट्स रूट्स आर एस टी आर रियल एंड पॉजिटिव, कंप्यूट टेन इनवर्स आर प्लस टेन इनवर्स एस प्लस टेन इनवर्स टी। हाँ भाई, जिस तरह से ये प्रेजेंटेड है अपने सामने, है ना, ये अपने आप में क्या क्यूबिक है, क्यूबिक के रूट कितने हैं, जीरो टू और सेवन बाई थ्री, है ना। तो अपन ये प्रूफ कर देंगे कि क्यूबिक का ग्राफ लाइन वाई इज इक्वल टू टू के साथ कहाँ कट करा, तीन अलग अलग जगह, लिखो इंटरसेक्शन थ्री डिस्टिंक्ट प्लेसेस, इंटरसेक्ट एट थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस टू थ्री एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू, इन दोनों के इंटरसेक्शन है तीन अलग अलग जगह। थोड़ा सोचो आप, मैंने आपको क्यूबिक के बारे में बताया, इन्फिनिटी पर वैल्यू कितना होता है, इन्फाइनिट है ना, और डिग्री का, और माइनस इन्फिनिटी पर कितना आएगा, माइनस इन्फाइनिट है ना, नेगेटिव 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 कितना आ जाएगा, नेगेटिव है ना। और रूट क्या आ रहे हैं इसके, आराम से दिख भी रहे, एक रूट है ज़ीरो, एक रूट है टू, एक रूट है सेवन बाई थ्री, तो इसका ग्राफ इस तरह का बनेगा। अब हॉरिजॉन्टल लाइन वाई इज इक्वल टू टू से कितनी जगह कट करे, तीन जगह है ना, तो अपन जानते नहीं कि डिफरेंशिएशन कहाँ पर ज़ीरो आ रहा है, डायरेक्ट कहाँ पर ज़ीरो आ रहा है अपन नहीं जानते, जानना भी नहीं चाहते है ना, तो अपने अंदाजे से ऐसी एक नंबर जो जीरो टू के बीच में क्या है, वन, वो ले लिया है ना। तो वन पर निकालो, इस फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, वन माइनस वन माइनस फोर, कितना आ गया, फोर। मुझे नहीं पता कि डेरिवेटिव वन पर ज़ीरो है कि नहीं है, मैंने तो अंदाजे से ले लिया। फिर मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन वाई इज इक्वल टू टू, तो डेफिनेटली वाई इज इक्वल टू टू पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट जहाँ पर चार है उससे नीचे आएगा। अब मैंने देखा कि भाई अगर
ग्राफ जो है जीरो पर जीरो है, भाई क्यूबिक क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है ना, ग्राफ जीरो पर जीरो है और एक पर क्या है चार है, तो उड़ के तो गया नहीं होगा, है ना, बीच में टकरा के गया होगा, तो एक रूट क्या आएगा जीरो से वन। अब एक पर चार है और दो पर जीरो है, तो उड़ के तो गया नहीं होगा, टकरा के गया होगा, तो एक रूट है एक से दो के बीच में। सेवन बाई थ्री पर क्या है जीरो है, इन्फिनिटी पर क्या है इन्फाइनिट, वैसे आप नंबर निकाल भी सकते हो, सेवन बाई थ्री से बड़ा नंबर क्या है थ्री है ना, थ्री रखना, थ्री इंटू वन इंटू कितना आ जाएगा टू, छः आ रहा है ना, तो उड़ के तो गया नहीं होगा, अभी जीरो है और तीन पर कितना आ गया छः आ गया, तो इसका मतलब क्या है रूट आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है देर इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा तो अपन ने देख लिया, अपन ने साबित कर दिया कि तीन अलग अलग जगहों पर भिड़ंत हो रही है, तो तीन अलग अलग रियल रूट हैं। इसने बोला है रूट पॉजिटिव भी होने चाहिए, है ना, तो पॉजिटिव रूट होने का मतलब है जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या है पॉजिटिव, ये बोला है, तो सही है। एक दो तीन, ये तीनों पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट, ये तीनों पॉइंट क्या है वाई एक्सिस के राइट साइड, तो वाई एक्सिस के राइट साइड जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं पॉजिटिव, तो यस तीनों रूट पॉजिटिव भी हैं। इनफैक्ट एक रूट मैंने बताया ना अभी, एक जीरो से बने, एक वन से टू है और एक रूट है आपका सेवन बाई थ्री से लेकर के थ्री, लोकेशन ऑफ रूट भी बता दिया मैंने, है ना, ये रूट्स का लोकेशन है, ठीक है, हैंस प्रूफ्ड, ये वाला पार्ट प्रूफ। हाँ बोलो, क्या फ़र्क पड़ता है मतलब इस बात में, और माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, उसके रूट साबित करना, दोनों में कोई फ़र्क थोड़े ना है, कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं, एक ही बात है, उसको जीरो प्रूफ करना है या इसको टू के बराबर प्रूफ करना, जिसको आप इजीली इंटरप्रेट कर पाए, है ना, जिसको आप इजीली, अब इसको टू ले जाता फिर उसका ग्राफ बनाता तो मुश्किल होती है ना भाई, इसके रूट तो बहुत सिंपल है ना, जीरो टू और सेवन बाई थ्री खटाखट बन भी क्या ग्राफ, अब रूट्स आ रहे से प्रूफ दैट दिस। अब लोकेशन ऑफ रूट से हमने देखा कि इसके दो रूट जो है, दो रूट क्या हैं वन से बड़े, दो रूट वन से बड़े, तो जब आप ये लिखोगे ना सिग्मा आर एस, यानी कि आर एस प्लस एस टी प्लस टी आर, ठीक है ना, आर एस प्लस एस टी प्लस टी आर जब आप लिखोगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो ये प्रोडक्ट क्या आएगा वन से बड़ा आएगा, तो ब्रांचिंग कौन सी वाली आएगी बेटे, ये वाली सिग्मा एक्स वाई वन से बड़ा वाला आएगा, दिख गया ना आराम से भाई, दो रूट अगर वन से बड़े हैं तो प्रोडक्ट क्या आएगा टेकन टू एट ए टाइम वन से बड़ा आएगा, तो कौन सा वाला आएगा पाई प्लस आएगा, तो ये नंबर आएगा बराबर आपका पाई प्लस टेन इनवर्स आर प्लस एस प्लस टी माइनस आर एस टी डिवाइडेड बाय वन माइनस सिग्मा आर एस, है ना। अभी इसने भाई साहब ने बोला ये जो इक्वेशन है इसके रूट हैं आर एस टी, तो इसको खोल लेते हैं, कितना आएगा x इंटू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस सेवन कितना आएगा माइनस थर्टीन, सेवन टू का कितना है फोर्टीन, माइनस टू इज जीरो, है ना, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अपन जानते हैं अगर इसकी रूट आर एस टी है तो बेटे आर प्लस एस प्लस टी कितना होता है, याद है माइनस वी बाय सिग्मा आर एस, याद है माइनस प्लस, है ना, फोर्टीन बाई थ्री और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस प्लस इसका नेगेटिव है ना। अब बेटे ये चीज़ यहाँ पर रख दी, है ना, आर प्लस एस प्लस टी कितना आएगा थर्टीन बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री वन माइनस, है ना, फोर्टीन बाई थ्री, है ना, ये कितना इलेवन बाई थ्री और माइनस इलेवन बाई थ्री, ना कितना जाएगा माइनस वन, तो जो बनेगा ना पाए प्लस टेन वर्स माइनस वन, तो पाए माइनस पाए बाई फोर आएगा, है ना, आंसर आ जाएगा आपका थ्री पाए बाई फोर।
क्या इक्वालिटी? अच्छा इक्वल टू वन, इक्वल टू वन के लिए दो इक्वालिटी और जीरो नहीं है ना, तो वहां पे जीरो इक्वल टू ऑफ जीरो क्या एक्स वाई जेड ग्रेटर देन जीरो, लेकिन वहां पे जीरो भी आ रही है, जीरो ग्रेटर देन जीरो है ना, तुम थोड़ा पूजा वूजा किया करो हैं, सिंप्लीफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ITF बाय सब्स्टिट्यूशन। साइन वॉज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 टेन वर्स x, x माइनस 1 से 1, 5 माइनस 2 टेन वर्स x, x 1 से बड़ा, माइनस 5 माइनस 2 टेन वर्स x, x लेस देन माइनस 1, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ट्वाइस 10 वर्स x, x 0 से बड़ा, माइनस 2 10 वर्स x जब x नेगेटिव, 10 वर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 10 वर्स x, 2 10 वर्स x माइनस पाए, 2 10 वर्स x प्लस पाए, माइनस 1 से 1, 1 से इन्फाइनिट, माइनस इन्फाइनिट से माइनस 1, ये अपने को याद करना है, ठीक है ना, और डिराइव भी कर रहे हैं। निकालो भी डोमेन रेंज,
हाँ पहली चीज लिखो ऑड है ना, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा कितना आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, साइन वर्स क्या ऑड है, माइनस तैयार के बाहर ऑड आ जाएगा। हाँ भाई डोमेन आर आ जाएगा है ना, ये नंबर क्या होना चाहिए माइनस वन से वन, इधर से आ जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इधर से आ जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आर 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 आ जाएगा, लिखो डोमेन आर। रेंज वाई इज इक्वल टू टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर मान लिया है ना, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई का वैल्यू कितना रहा माइनस वन से वन, तो वाई अगर माइनस वन से वन है, ये नंबर अगर माइनस वन से वन है तो इसका साइन वर्स कितना आएगा माइनस नाइन्टी से नाइन्टी, तो रेंज है इसका माइनस नाइन्टी से नाइन्टी, लिख लो आराम से, ये डोमेन रेंज ऑड। सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, एक्स को टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिए, क्यों किया सब्स्टिट्यूट है ना, वाई वी आर सब्स्टिट्यूटिंग, उसका रीजन ये बेटे एक्स अभी देखा अपन ने क्या है ऑल रियल, ठीक है ना, एक्स क्या है सभी रियल नंबर हो सकता है माइनस इन्फाइनिट से इन्फाइनिट, तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो ऑल रियल होए, टेन या कॉट, आप टेन भी रख सकते थे आप कॉट भी रख सकते थे, पर सेक नहीं रखोगे आप, क्योंकि सेक तो क्या माइनस वन से वन नहीं आएगा, साइन या कॉज नहीं रखोगे है ना, तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन में आपको एक ट्रिक लगानी पड़ती है, लिखो जैसे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे एक्स को, साइन थीटा या कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि ये एक्स का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर डोमेन के लिए माइनस वन से वन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अगर दे रखा है तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे टेन थीटा, क्यों डोमेन क्या है आर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अगर दे रखा है तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे सेक थीटा या कोजेक थीटा है ना, अगर अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स दे रखा है तो क्या करोगे, अगेन डोमेन क्या है माइनस वन से वन, दिख रहा है क्या डोमेन क्या आएगा माइनस वन से वन, तो अगेन एक्स को रख दोगे आप कॉस थीटा या साइन थीटा, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना जब भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो कॉस थीटा साइन थीटा तो तुरंत डिक्लेयर करो आईटीएफ के सवालों में प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, जैसे आपने यहाँ पर एक्स इक्वल टू टेन थीटा रखा तो थीटा डिक्लेयर कर दो, आपको आगे चल के कन्फ्यूजन नहीं होगा, अगर कॉट थीटा रख रहे हो तो डिक्लेयर कर दो कि थीटा क्या है जीरो से लेकर के पाए, अगर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो डिक्लेयर कर दो थीटा क्या है माइनस नाइन्टी से नाइन्टी, अगर कॉस थीटा रख रहे हो तो डिक्लेयर कर दो थीटा क्या है जीरो से पाए, अगर ये रख रहे हो ना तो बोल दो, क्या बोल दो, इसके अलावा तो नहीं है थीटा मेरा, क्योंकि कॉस का रेंज कितना होगा माइनस वन से वन, तो क्या एंगल रिक्वायर्ड है बस जीरो से पाए, तो टू थीटा ये तो थीटा कितना आ गया जीरो से नाइन्टी है ना, याद रहेगा ठीक है ना, हमेशा सब्स्टिट्यूट करते ही तुरंत उसी वक्त डिक्लेयर करना है रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ आईटीएफ, ठीक है, अपन ने ये सब्स्टिट्यूट कर दिए तो ये कितना आएगा टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर है ना, तो एफ आ जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन टू थीटा, अपने को बाकी सारे फंक्शंस का भी दिख गया, अच्छा इसका डोमेन क्या आएगा आर, एक्स की जगह क्या रखेंगे टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स के अंदर कॉस टू थीटा, इसमें तो बस डोमेन में बस क्या नहीं है दो ही नंबर नहीं है वन माइनस वन, एक का दुख का नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स की जगह रख दिया टेन थीटा टू टेन अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर, तो तस्वीर ऐसी रोचक है कि साइन इनवर्स साइन टू थीटा कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा टेन इनवर्स टेन टू थीटा बन रहा है, ठीक है ना, ऐसा बन रहा है।
ऑल राइट, साइन वाज साइन टू थीटा, अपन ने डिक्लेयर किया था थीटा कितना है अपना माइनस 90 से 90, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा माइनस पाई से पाई, ठीक है ऐसा है। ये लाइन कितना आ रहा है, वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, ये पॉइंट कितना है पाई, ये जीरो, ये माइनस पाई। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा साइन इनवर्स साइन के अंदर, साइन इनवर्स साइन के ग्राफ में जब एंगल जो है अगर माइनस पाई से पाई तो कितनी ब्रांचेस बन रही है, एक दो और ये तीन है ना, छापो यहाँ तक। तो अकॉर्डिंग टू दैट केस बना लिए, टू थीटा हो जाए आपका माइनस 90 से 90, टू थीटा हो जाए आपका पाई बाई टू से पाई, टू थीटा हो जाए आपका माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू, अगर टू थीटा माइनस 90 से 90 तो साइन इनवर्स क्या आएगा, साइन टू थीटा क्या आएगा, टू थीटा। लाइन का इक्वेशन क्या, वाई इज इक्वल टू एक्स, इस केस में साइन इनवर्स साइन टू थीटा कितना आएगा पाई माइनस टू थीटा, इस केस में साइन इनवर्स साइन टू थीटा कितना आएगा माइनस पाई माइनस टू थीटा है ना, ये आएगा। और अपन टू थीटा क्या था आपका, थीटा क्या मान के चल रहे थे, टेन इनवर्स एक्स कितना आएगा पाई माइनस ट्वाइस टेन इनवर्स एक्स कितना आएगा माइनस पाई माइनस ट्वाइस टेन इनवर्स एक्स। कंडीशन जो एक्स पर लगेगी अगर टू थीटा ही है तो टू टेन इनवर्स क्या आपका माइनस 90 से 90, तो टेन इनवर्स क्या आएगा माइनस 45 से 45, तो एक्स कितना आ जाएगा टेंजेंट माइनस 45 से टेंजेंट 45। सिमिलरली यहाँ पर कितना आएगा 1 से 90 मतलब 45 से 90, तो टेन इनवर्स एक्स अगर 45 से 90 है तो एक्स कितना आ जाएगा 1 से इन्फाइनिट, देखिए 1 से इन्फाइनिट सिमिलरली आ जाएगा, छापो। अब इसका कर लो, इसका रेंज निकाल लो, डोमेन रेंज अगर कर लिया तो, क्या किया यहाँ पे जो किया नहीं, टू थीटा आया तो टू टेन वर्स आ गया, हाँ हाँ वो काम डायरेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट मतलब कैसे, हमें पता है एक्स को टेन थीटा बिना सब्सटीट्यूट किए हुए, ऐसे बिना सब्सटीट्यूट किए, हाँ कैसे मतलब, अगर सब्सटीट्यूट नहीं किया एक्स को टेन थीटा, अरे बेवड़े हो क्या, यही तो प्रूव कर रहे हैं, हैं लिख लो बेटे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो उसको ना, टू प्रूव है ना, अरे रामा रामा हैं कृष्णा कृष्णा, लिखो टू प्रूव, लिख तो दिया, प्रूव तो कर रहे हैं, वो प्रूफ है उसका, लिख लो बेटे ना, ये चीज़ है पर इसको प्रूव कर रहे हैं वहाँ पर है ना। और हाँ ये भी प्रूव करेंगे, लिख लो बेटे इसको भी आगे चल के इम्पोर्टेंट बन जाएगा तुम्हारे लिए,
कि कॉज इनवर्स जो है ये होता है, ये अपन प्रूव करेंगे, है टेन इनवर्स ये होता है, ये अपन प्रूव करेंगे, ठीक है। कैसे आया ये बताना पड़ेगा ना, जिन तो हो नहीं में है ना, हमें जब इसका डोमेन रेंज बता देना, ऑड इवन, इवन है ये दिख रहा है, इवन है और ये कितना आएगा, ऑड आएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा माइनस, और इवन क्यों, क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स रखा यहीं पर सेम आ गया, तो ये क्या है, इवन है, तो लिख लेना ये इवन है ये ऑड है। चलो साइन वर्स लिख लिया होगा, अपन कॉज इनवर्स देखते हैं। कॉज इनवर्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डोमेन आ जाएगा आपका रियल, है ना, रेंज, रेंज निकाला कितना रहा है, वाई इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वन प्लस वाई माइनस वन इज जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वाई स्क्वायर माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, वाई का वैल्यू कितना है माइनस वन से वन। इसमें चेक करना होता है कि जो कोफिशियंट है जीरो तो नहीं है ना, क्वाड्रेटिक अप्लाई किया ना अपने, क्वाड्रेटिक सोच के अप्लाई किया डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो अगर ये क्वाड्रेटिक कब नहीं होगा जब वाई क्या है माइनस वन, तो चेक करना पड़ेगा वाई माइनस वन है कि नहीं है, तो कितना आ जाएगा जीरो, ये आ जाएगा माइनस टू। बेटे क्या माइनस टू जीरो के बराबर होता है, नहीं होता, तो क्या वाई माइनस वन होगा, नहीं होगा, तो ये गलत लिखा हुआ है ना, सही कर लेते हैं इसको, हमसे भूल हो गई, y का वैल्यू माइनस वन पर खुला है ना, तो अब ये माइनस वन से वन है ना बेटे, माइनस वन से वन का कॉस इनवर्स कितना आएगा, वन का कॉस इनवर्स कितना आएगा जीरो, और 180 पर क्या आएगा ओपन, है ना, लिखो ये रेंज आ रहा है, सब्स्टिट्यूट कर दो, x को 10 थीटा रख दो, x को 10 थीटा रख दिए, जैसे थीटा रखा थीटा देगा 10 थीटा, थीटा क्या माइनस 90 से 90, तभी आप बोल पाओगे कि tan इनवर्स x कितना है थीटा, हाँ भाई क्या बनेगा, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, टू थीटा कितना आएगा माइनस पाई से लेकर के पाई, ये लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये पाई, ये माइनस पाई, अभी तो कितनी ब्रांचेस बन रही हैं यहाँ पर माइनस पाई से पाई, बस दो बन रही है ना,
इसीलिए यहाँ पर आंसर में कितना आता है, दो ही आता है। वहाँ पर क्या था, तीन ब्रांचेस थी, इसीलिए तीन आ रहा था, यहाँ पर दो है तो दो आ रहे हैं। ठीक, केस बना लो, इनपुट एंगल क्या है, जीरो से पाए या माइनस पाए से जीरो, लिखो केस वन, टू थीटा जीरो से पाए, तो कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा कितना आ जाएगा, टू थीटा। सेकेंड केस, टू थीटा क्या, माइनस पाए से जीरो, तो कितना आएगा, माइनस टू थीटा, है ना, माइनस टू थीटा मतलब माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, टू थीटा मतलब ट्वाइस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसमें आपको देखना पड़ेगा, टू थीटा अगर ये है तो थीटा कितना होगा, जीरो से नाइन्टी, तो एक्स कितना हो जाएगा आपका, जीरो से इन्फाइनिट। क्या होगा, ये आएगा टू टेन इनवर्स और ये आएगा माइनस टू थीटा। बेटा थीटा क्या है, टेन इनवर्स है ना, तो माइनस टू टेन इनवर्स आएगा ना। लाइन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स है, तो कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा कितना आएगा, आउटपुट कितना आएगा, नेगेटिव ऑफ इनपुट, माइनस टू थीटा आएगा। हो गया प्रूफ। हाँ भाई, टेन इनवर्स वाला, टेन बस वाले की बस आप लाइन की इक्वेशन ग्राफ देख के आप फील कर सकते हो, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं ज़्यादा। ठीक, लाइन की इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस पाए, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस पाए, है ना, ये माइनस पाए, ये जीरो है और ये पाए। तो आप देख सकते हैं तीन ब्रांचेज आ रही हैं, एक आएगी y इज इक्वल टू एक्स, एक x माइनस पाए, एक x प्लस पाए। ठीक है, तो आप जो साइन वर्स साइन है उसका ग्राफ, कॉज इनवर्स कॉज है उसका ग्राफ, टेन वर्स टेन उसका ग्राफ देख के आप ये लाइन की इक्वेशन आराम से गैस कर सकते हैं। ठीक है, हो गया, बस इसको करने की जरूरत नहीं, आप इसको होमवर्क में लिख लो। टेन वर्स टेन टू थीटा बनेगा, क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स दे रखा है अपने को, साइन वर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस टेन वर्स एक्स कॉज ऑफ एफ ऑफ टेन। क्या बोल रहे हो बताओ ना, अरे टू टेन बस आ रहा है, यहाँ पर माइनस टू टेन बस आ रहा है, क्या पर माइनस टू टेन, अरे क्या कह रहे हो, या माइनस टू थीटा आएगा नहीं आएगा,
क्या वो छोड़ो, वो माइनस वन छोड़ो, अभी पहले ये तो पकड़ लें अपन, है किले की दीवार तो बाद में तोड़ेंगे, पहले सैनिक तो इकट्ठे कर लें अपन। हाँ हाँ सैनिक, हाँ पैदल सैनिक, समझ में आ रही बात। कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा कितना होता है, माइनस ऑफ इनपुट होता है, अगर आपका टू थीटा क्या माइनस पाई से जीरो तो कितना आएगा माइनस टू थीटा, और थीटा क्या था टेन इनवर्स एक्स। बच गए तुम आज। हाँ हाँ भाई, ये अगर अपने को 10 के आसपास देखना है फंक्शन का वैल्यू 10 पर, तो ये वाली जो चीज़ है वो x ग्रेटर देन 1 वाली ब्रांच देख लो आप। 1 से बड़े के लिए ये फिगर क्या बन रहा था अभी देखा था ना, पाई माइनस टू टेन बस, तो आया पाई माइनस टू टेन बस एक्स प्लस टू टेन बस एक्स, तो ये हमेशा पाई आ जाएगा ना। तो आपको बेसिकली कॉज ऑफ पाई निकालना है, कॉज 180 कितना आएगा माइनस वन। ठीक है, इस पर और क्वेश्चन अपन देखेंगे नेक्स्ट टर्म पे, आप इनको थोड़ा सा याद करके आना, ठीक है ना, कम से कम एक बार डिराइव करके आना, अगर डिराइव नहीं करोगे तो फिर याद तो खैर भूल ही जाओ, मतलब अभी भले ही हफ्ते 10 दिन के लिए तुम्हें याद रह जाएगा ठीक, लेकिन जब तक डिराइव नहीं करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म ही रह जाएगा वो, तो एक बार डिराइव ज़रूर कर लेना, ठीक है।